अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मतलब कुछ खास नहीं है, मैं बस अंबासा पे आया हुआ। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ ये अंबासा का स्टेशन है। पहुंच चुके हैं, मतलब कितने सारे यादें हैं इस स्कूल को लेके यार। ये स्कूल है और यहाँ पे है हॉस्टल, ठीक है, ये हॉस्टल है। तो यार मतलब कितने सारे यादें, मतलब एक एक पल मैंने यहाँ पे बिताया, मतलब सब कुछ याद है मुझे अच्छी तरह। तो वहाँ पे एक जान पहचान वाला है, मैं पहचानता हूँ उसे। तो ओ माय गॉड, आप देखना चाहोगे स्कूल को अच्छी तरह देख सकते हो। ओ भाई इतने सारे यादें अभी स्कूल। और यहाँ पे नीचे जो वॉलीबॉल कोर्ट है नीचे, अभी देख सकते हो ये फुटबॉल का प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे असेंबली होता है, यहाँ पे आप लोग हम लोग आके असेंबली करते हैं यहाँ पे। और ये बॉयज हॉस्टल है, और ये मतलब ये जो है ये है सीनियर ब्लॉक। चलो अभी जाते हैं कंपाउंड पे, और ये जो है मतलब स्कूल का देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा यार। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं, 3 साल के बाद मिल रहे थे, अभी तक याद रखा है इसने मुझे, मतलब इतना खुश हूँ मैं यार, अभी तक याद है मेरा मुझे। ओ भाई 3 साल के बाद मिल रहा हूँ मेरे प्यारे राकेश दादी, बहुत दिनों के बाद मिले और खुश हूँ बहुत, क्योंकि ठीक है थोड़ा घूम लेते हैं। ठीक है तो मैंने फटा से भी परमिशन ले लिया, अभी घूम सकते, फटा से थोड़ा बाट साल कट कर लिया, अभी घूम सकते। ओ भाई हमारा क्लास है ये हमारा क्लास है भाई, हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे भाई। इमोशन, ये जो कमरा है ना, बहुत सारा फीलिंग्स है इस क्लास में। ओ भाई जब मैं नया क्लास 11 में एडमिशन लिया था, तब ये जो क्लास है ना, वहाँ पे क्लास देख रहे हो ना, इस क्लास में मैं था, मतलब इस क्लास में हम 11 में पढ़ाई किए थे। तो यहाँ पे आया तो ओ यार कितने सारे यादें हैं यार इसमें। और ये जो स्कूल मतलब ये जो रूम है ना भाई, फीलिंग्स है फीलिंग्स। ये रूम है भाई, ये रूम हम लोग क्लास के कब होता है, अपना ही तो घर है भाई। ओ भाई मकरी का चला चल फर गया यहाँ पे भाई। दिस इज द रूम ऑफ क्लास 9 आई थिंक, मतलब क्लास 9 का रूम था ये। तो पता नहीं अभी पता नहीं कौन किस का रूम है, ये देख सकते हो ये जो ये है बस चल। बहुत दिनों के बाद आया यार, तो बहुत खुश हुआ दिल। और हाँ यार अब लोग भी मतलब मिस करते होंगे ना अपने, मतलब जो एक्स स्कूल था, तो यार बहुत मिस करता था। तो अभी फिलहाल मतलब और हॉस्टल में जाके थोड़ा देखते हैं, ठीक है थोड़ा जाके घूमेंगे बस वही है। और क्योंकि बहुत कुछ सिखाया मुझे बहुत कुछ, तो फिर मैं प्राउड फील करता हूँ मैं इस स्कूल का एक हिस्सा हूँ। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इस स्कूल में थैंक यू बोलता हूँ। तो फिर और अभी चलते हैं, ठीक है। देख लिया
और अभी एक काम करते हैं, अभी काम करेंगे मेरे एक दोस्त के घर जाके, वैसे हम लोग कमलपुर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि कमलपुर में दोस्त का बर्थडे है, तो फिर वहाँ पे जाके थोड़ा बर्थडे अटेंड करना होगा, तो फिर जाके, और अगर वीडियो शूट हो पाए तो मैं शूट कर लूँगा, नहीं तो यही ये जो आज का जो सारा वीडियो मैंने बनाया यही मैं ब्लॉग में डालूँगा, क्योंकि यार इस स्कूल को लेकर बहुत सारे यादें हैं यार। ठीक है, मैंने बचपन में जो जो स्कूल में पढ़ाई किए वो स्कूल मेरे होम टाउन पर ही है, लेकिन ये जो अम्बासा है कुछ खास है मेरे लिए यार, क्योंकि बहुत कुछ सीखा मैंने इस स्कूल से यार, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। ठीक है, तो अभी थोड़ा और शॉट लेते हैं। थोड़ा चार्ज में जाके घूमना है, मतलब यार बहुत दिनों को बताया हूँ तो थोड़ा घूमना तो बनता है। और ये जो गेट देख रहा हूँ ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो वहाँ पे तो बॉयज़ हॉस्टल है या फिर गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब बॉयज़ हॉस्टल जो होता है ना वो बिल्कुल मतलब वो होता है ना स्कूल के पास ही होता है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल को थोड़ा दूर रख दिया इन लोगों ने, मतलब हाँ वही है। अभी जाके थोड़ा देखते हैं, ये रहा चर्च, ये चर्च है, ठीक है, लाल चूड़ी, मतलब ये जो मतलब जितने सारे क्रिश्चियन होते हैं ना इस ये जो चर्च है ना वो यहाँ पे आते हैं। जब हम लोग हॉस्टल पे थे तो डेली शाम को 6 बजे चर्च में आना था और फिर प्रेयर करने थे, हम लोग प्रेयर करते थे 6 बजे को आके और घूमते थे, और हाँ मतलब प्रेयर करते थे तो अच्छा लगता था यार, क्योंकि यार मतलब दिल से बोलूँ तो मुझे अच्छा लगता है यार। तो फिर ये देख सकते हो, ये रहा चर्च, अंदर तो नहीं जाएंगे भाई, ये रहा चर्च, और ये जो है फादर का हाउस है, ये रहा चर्च, बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब इन्होंने फिर से कवर मतलब कलर वाला लगा लिया तो खूबसूरत ही दिख रहा है।